बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन बिस्ट्रो। आज हम द किचन बिस्ट्रो में खड़ा मसाला कढ़ाई या टमाटर वाली कढ़ाई बना रहे हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। पानी चाहिए 1/4 कप ऑफ वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, पानी का इस्तेमाल हम कम करेंगे। खड़े मसालों में मैंने ये होल ब्लैक पेपर लिए हैं तकरीबन 30 से 35, इनको हम बाद में पीसेंगे। सुरख मिर्चों का इस्तेमाल इनमें कम होता है, इसलिए मैंने 3 होल रेड चिलीज लिए हैं, इनको भी बाद में हम दरदरा सा पीस लेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आनियन का इस्तेमाल इसमें कम होता है, इसलिए मैंने 1 लिया है मीडियम साइज़ का आनियन। 4 से 5 हमें टमाटर चाहिए होंगी, मैंने बड़े साइज़ के टमाटोज़ लिए हैं, तकरीबन 4 यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 हमें ग्रीन चिलीज़ चाहिए होंगी, ये काफ़ी स्पाइसी हैं तो ग्रीन चिलीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा डलती हैं। और हमें थोड़ा सा सिलेंट्रो चाहिए होगा, इसको हमने बाद में काटना है। इसके अलावा हमें चाहिए गार्लिक जिंजर का पेस्ट 1 टीस्पून, ये हम फ्रेश यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को मैंने अभी हाई रखा है। अब हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें 1/4 कप ऑफ वाटर ऐड कर देंगे और साथ ही हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। पानी हमने इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है। फ्लेम को हमने मीडियम से हाई कर लिया और अब हम लिड से इसे कवर कर देंगे। लिड से कवर करने के बाद अब हमने चिकन को 50% कुक करना है। मैंने फ्लेम को मीडियम से हाई कर दिया है। जितनी देर में चिकन कुक होता है 50%, हम उतनी देर में टमाटर और प्याज काट लेते हैं। अब हम इन चीज़ों की कटाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टमाटर को काट लेती हूँ। ये हमने टमाटर काट लिए हैं, अब हम प्याज काट लेते हैं। प्याज को हमने उस तरह काटना है जिस तरह से हम ऑमलेट काटते हैं, बारीक बारीक हम प्याज को काटेंगे। ये हमने बिल्कुल ऑमलेट कट प्याज काट लिए। अब हम जूलियन कट ये सब्ज मिर्चें काटेंगे, यानी तिरछा तिरछा। इसमें बेसिकली ग्रीन चिलीज और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। रेड चिलीज हम बिल्कुल थोड़ी डालेंगे। ये जूलियन कट में मैंने सब्ज मिर्चें काट ली हैं और इसी तरह से अब हम सब्ज धनिया काट लेंगे। बस धनिया काट लिया है। अब हम साबुत मसालों को पीस लेंगे, काली मिर्चों को और रेड होल चिलीज़ को। हम इनको दरदरा सा पीसेंगे। ये मैंने साबुत मसाले पीस लिए हैं, काली मिर्चें और होल रेड चिलीज़, साबुत सुरख मिर्चें, इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब हम चिकन देखते हैं कि चिकन कितना डन हुआ है।
चिकन देखें 50% डन हो गया। अब हम टमाटर ऐड करेंगे। इस रेसिपी में टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे दोबारा कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर किया था। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, इन्होंने पानी छोड़ा है, काफ़ी सारा पानी ड्राई हो चुका है और जो रहता है उसको हम ड्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दरदरी कूटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम होता है इस कढ़ाई में। इसको हम मिक्स करेंगे। काली मिर्च हम अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उससे कढ़ाई का कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। काली मिर्च को हम एंड पे ऐड करेंगे। अब हम इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। ये देखें पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब हम यहाँ पर 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें फ्रेश गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हमने इसे भून लिया है। जो हमने होल ब्लैक पेपर को पीसा है वो ऐड करेंगे, काली मिर्चें, और इसे मिक्स कर लेंगे। काली मिर्चें ऐड करने के बाद हमने इसे मिक्स कर लिया है। चिकन ऑलमोस्ट डन है। अब हम यहाँ पर ऑमलेट कट प्याज ऐड करेंगे। ऑमलेट कट प्याज ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। 30 सेकेंड के लिए हम इसे मिक्स करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट हो गया है, बस हमने प्याज को इतना ही सॉफ्ट करना है। ये देखें चिकन हमारा डन हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम यहाँ पर ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम सिलेंट्रो ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसे जिंजर से भी गार्निश कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, नमक मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट हैं, मैंने टेस्ट कर ली थी। और ये हमारी खड़ा मसाला कढ़ाई, टमाटरों वाली कढ़ाई तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।